नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रैप टैक्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, रैप टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एमएस ऑफिस वर्ड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने कोई शेप या इमेज इंसर्ट की है, तो आपको रैप टैक्स की पूरी जानकारी होगी तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ रैप टैक्स के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट में इमेज किस तरह से इंसर्ट करते हैं वो हमने सीखा था, फिर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप किस तरह से इंसर्ट करना है वो सीखा। अब दोस्तों, हम यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ रैप टैक्स के बारे में ही सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। सभी वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और यहाँ पे हर एक वीडियो में जो कुछ सिखाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर हम रैप टैक्स डिटेल में सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों, मैं सैंपल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट मैंने लिख लिया है। अब दोस्तों, हम इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं जो मेरे कंप्यूटर में पड़ा है। यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो कीबोर्ड का इमेज है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। दोस्तों, जैसे ही हम इमेज इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे नया टैब आ जाएगा फॉर्मेट। दोस्तों, ये सभी ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसकी साइज़ कम कर दी है। अब दोस्तों, यहाँ पे इस इमेज का जो रैप टेक्स्ट है वो कौन सा है, वो इन लाइन है। तो इन लाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको इस इमेज को कहीं पर भी मूव करना है। मान लो यहाँ पर ये जो वीडियो लिखा है उसके बाद में आपको मूव करना है, तो आप सीधा उठा के वहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि ये इनलाइन रैप टैक्स है। इसलिए इनलाइन मतलब यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसके साथ ही आप अपनी इमेज रख सकते हो। मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को उठाओगे तो देखिए कर्सर जैसी लाइन आती रहेगी, मतलब कि आप कहाँ पे इमेज रखना चाहते हैं वो आपको ये जो लाइन है वो देख के आपको डिसाइड करना है। अगर आप यहाँ पे थीम लिखा है उसके बाद में रखना चाहते हैं, तो आपका जो कर्सर जैसी लाइन आ रही है वो आपको थीम के बाद में आ जाने के बाद वहाँ पे आपको छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ दोगे तो देखिए यहाँ पे दोस्तों थीम का सेंटेंस ख़त्म हुआ, फिर हमारी इमेज आ गई। इमेज यहाँ पे ख़त्म होके यहाँ से उसके बाजू में से फिर से सेंटेंस शुरू हो गया। तो ये दोस्तों कौन सा रैप टैक्स है, ये इनलाइन रैप टैक्स है। फिर से दोस्तों हम फॉर्मेट में चले जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है इनलाइन रैप टैक्स, तो ये इनलाइन रैप टैक्स है। फिर से हम दोस्तों इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं, इस इमेज को थोड़ा उठा के आगे ले लेते हैं। यहाँ पे हमें ये जो हेडर लिखा है उसके बाद में रखना है, तो हम यहाँ पे इस इमेज को उठा के यहाँ पे ले लेते हैं हेडर के बाजू में, और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो ये इनलाइन ऑप्शन है। अब दोस्तों हम फिर से इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर। दोस्तों इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारी जो इमेज है उसके आजू बाजू में जो कंटेंट है वो स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो हमारी इमेज के आजू बाजू में देखिए कंटेंट आ गया। अब हम हमारी इमेज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आप जैसे ही मूव करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो अपने आप सेट होता जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इमेज का जो ऑप्शन है वो हमने स्क्वायर रखा है, इसलिए इस तरह से हम फ्रीली मूव कर सकते हैं और आजू बाजू का कंटेंट अपने आप सेट हो जाता है। अब दोस्तों हम फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप में चले जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम ये सर्कल का शेप है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये सर्कल शेप हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हम जो ये सर्कल है वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, और हमारा जो कंटेंट है वो उसके नीचे आ रहा है। तो दोस्तों शेप के लिए भी सेम ऑप्शन है यहाँ पे। तो उसके लिए हम जो स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे तो जो इस इमेज में स्क्वायर रैप टेक्स्ट था उसी तरह का यहाँ पर रहेगा। देखिए दोस्तों, जो सर्कल है उसके आजू बाजू जो कंटेंट है वो स्क्वायर शेप में रैप हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रैप सिलेक्ट किया है इसलिए। अब दोस्तों हम फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं, रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टाइट। दोस्तों इस ऑप्शन का क्या मतलब है,
हमारा जो टेक्स्ट है वो इमेज या शेप के एकदम नज़दीक आ जाएगा। अगर आपकी इमेज सर्कल शेप में है तो आपका जो कंटेंट है वो उसके आजू बाजू सर्कल शेप में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइट पे सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट है वो सर्कल का जो शेप है उसी तरीके से वो रैप हो गया। हम हमारे सर्कल का जो शेप है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा कंटेंट भी ओवल शेप में उसके आजू बाजू रैप हो जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन है टाइट। तो टाइट से क्या होगा, कंटेंट है वो बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, जिस टाइप का शेप होगा उस टाइप में वो रैप हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रू। दोस्तों थ्रू और टाइट दोनों की इफ़ेक्ट एक जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। दोस्तों यहाँ पे हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा जो सर्कल है उसको ऊपर ले लेते हैं। अब दोस्तों फिर से फॉर्मेट में चले जाते हैं, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का क्या मतलब है दोस्तों? हमारा जो कंटेंट है वो टॉप और बॉटम में रैप हो जाएगा, इमेज के आजू बाजू नहीं रहेगा। आपकी इमेज की साइज़ या शेप की साइज़ जो भी कुछ हो, टेक्स्ट है वो ऊपर और नीचे रैप होगा, उसके दोनों बाजू नहीं रहेगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपकी इमेज को आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हो, जो टेक्स्ट है कंटेंट है वो ऊपर नीचे अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट। दोस्तों बिहाइंड टेक्स्ट का क्या मतलब है? आपका जो शेप या इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई। दोस्तों यहाँ पे इमेज टेक्स्ट के पीछे चली गई, अब हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। तो किस तरह से करना है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इमेज या आपका शेप टेक्स्ट के पीछे चला जाता है तो आप किस तरह से उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे दोस्तों होम टैब है। होम टैब दोस्तों जब हमने सीखा था तब मैंने यहाँ पे बताया था ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसमें ये जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है वो हम इंसर्ट टैब में जब इमेज या शेप सीखेंगे तब ये ऑप्शन हम सीखेंगे। तो अब ये ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो कंटेंट है उसके अलावा जो भी कुछ हमारे डॉक्यूमेंट में रहता है वो सभी ऑब्जेक्ट कहा जाता है, चाहे वो इमेज हो या शेप हो, वो सभी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कंटेंट जो हमारा लिखा हुआ है उसके अलावा जो भी कुछ रहेगा वो सभी ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन जब तक ऑन है तब तक आप टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑप्शन अभी ऑन है इसलिए। अब आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करना है, तो क्या करना है, ये ऑप्शन आपको बंद करना है। तो फिर से जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अब ये ऑप्शन बंद हो गया, अब आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको होम में जाना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों हम हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से फॉर्मेट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था बिहाइंड टेक्स्ट, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो शेप है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो शेप है वो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर आ गया। फिर से दोस्तों हम रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपका जो शेप है उसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे और ये पॉइंट की मदद से आप जो रैपिंग एरिया है वो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए ये जो टेक्स्ट है वो हमारे सर्कल के आजू बाजू आ रहा है, मतलब के टाइट ऑप्शन वाला जो रैप था उसी तरीके से आ रहा है। अब हमें ये जो रैप एरिया है वो सेट करना है, तो ये जो पॉइंट है उसकी मदद से आप रैप पॉइंट सेट कर सकते हो। दोस्तों हमें इस तरफ थोड़ा रैपिंग के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम खींच के बाहर की तरफ खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम छोड़ देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने जो पॉइंट खींचा था उस शेप में रैप हो गया। फिर से दोस्तों हम सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं, रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं। तो हमने जो पॉइंट खींचा था जिस एंगल में जिस शेप में उसी शेप में हमारा टेक्स्ट है वो रैप हो गया। अब दोस्तों हम इस पॉइंट को खींच के नीचे ले जाते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से कुछ रैप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जिस तरह से हमने पॉइंट खींचा है उस तरह से हमारा टेक्स्ट रैप हो गया। अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से कुछ
रैप हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन है रैप पॉइंट्स का, जिसमें हम पॉइंट को खींच के अपने हिसाब से रैप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी पॉइंट दिए हैं उससे ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है उस पर आपको अपना माउस लेके जाना है, क्लिक करना है और सीधा खींच लेना है, तो वहाँ पे पॉइंट अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पॉइंट भी बना सकते हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन है रैप पॉइंट्स का, जिसकी मदद से आप कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें पॉइंट रैप कर सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से रैपिंग कर सकते हो। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे स्क्वायर रैप कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब स्क्वायर शेप में हमारा कंटेंट है वो रैप हो रहा है। फिर से दोस्तों हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से दोस्तों हम रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मूव टेक्स्ट विद, यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, उसके आगे टिक मार्क है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। इस ऑप्शन का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने जो ये शेप रखा है और यहाँ से जो हमारा कंटेंट शुरू हो रहा है, तो हमारा कंटेंट हम नीचे ले जाएंगे तो उसके साथ साथ ये शेप भी अपने आप नीचे आ जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्सर रख लेते हैं, दोस्तों यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा कंटेंट के साथ साथ शेप भी नीचे चला जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो शेप और कंटेंट दोनों नीचे जा रहे हैं। फिर से दोस्तों हम हमारा कर्सर आगे ले लेते हैं और यहाँ पे हम डिलीट करेंगे तो कंटेंट ऊपर आ रहा है और साथ में इमेज भी ऊपर आ रही है। तो ये ऑप्शन है मूव टेक्स्ट विथ, तो ये ऑप्शन टिक रहेगा तो आपके टेक्स्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट मतलब के शेप भी मूव होगा। उसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों फिक्स पोजिशन ऑन पेज, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, आपका जो शेप है वो पेज में उसकी पोजिशन फिक्स रहेगी, आपके कंटेंट के साथ टेक्स्ट के साथ वो मूव नहीं होगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मूव टेक्स्ट विथ निकाल दिया और फिक्स पोजिशन ऑन पेज रख दिया। अब हम हमारा कर्सर यहाँ पे रख लेते हैं, अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट ही मूव होगा, इमेज या शेप मूव नहीं होगा। फिर से दोस्तों हम कर्सर हमारा आगे ले लेते हैं और यहाँ पे हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा कंटेंट है वो ऊपर आ जाएगा मगर शेप है वो अपनी पोजिशन पे फिक्स ही रहेगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों मूव टेक्स्ट विथ और फिक्स पोजिशन ऑन पेज का। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मोर लेआउट ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रैपिंग स्टाइल दी है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली है, ये इनलाइन है, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये सभी ऑप्शन हमने देख लिए है। यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शन दिए है वो यहाँ पे नीचे है। दोस्तों यहाँ पे अभी के लिए हमने स्क्वायर सिलेक्ट किया है और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रैपिंग है वो दोनों तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रैपिंग हो रहा है। अगर हमें सिर्फ लेफ्ट साइड ही रैपिंग चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों लेफ्ट ओनली, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे लेफ्ट ओनली और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सिर्फ लेफ्ट साइड ही रैपिंग रहेगा, राइट साइड रैपिंग नहीं रहेगा, राइट साइड की जो स्पेस है वो ब्लैंक रहेगी। हम हमारा शेप राइट साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड अपने आप रैपिंग होता रहेगा, अगर हम हमारा शेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड अपने आप एडजस्ट होगी और राइट साइड ब्लैंक होती रहेगी। तो ये ऑप्शन है दोस्तों ओनली लेफ्ट साइड। किस तरह से करना है दोस्तों, रैप टेक्स्ट में जाना है, मोर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है लेफ्ट ओनली, तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ लेफ्ट साइड ही टेक्स्ट रैप होगा, राइट साइड नहीं होगा। फिर दोस्तों ऑप्शन है राइट ओनली, इसका मतलब है सिर्फ राइट साइड ही टेक्स्ट रैप होगा, लेफ्ट साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड की जगह है वो ब्लैंक रहेगी। तो यहाँ पे हम राइट ओनली कर लेते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड है वो टेक्स्ट रैप हो रहा है, लेफ्ट साइड ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम शेप को राइट साइड खींचेंगे तो राइट साइड रैप टेक्स्ट अपने आप सेट होता रहेगा और लेफ्ट साइड स्पेस रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों, किस तरह से रैप टेक्स्ट में मोर लेआउट ऑप्शन। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लार्जेस्ट ओनली, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है जिस तरफ ज़्यादा स्पेस रहेगी उस तरफ रैप रहेगा। तो हम यहाँ पर लार्जेस्ट ओनली सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम हमारा शेप है वो राइट साइड मूव करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरफ ज़्यादा स्पेस आ गई मतलब इस तरफ रैपिंग हो गया, यहाँ पे कम स्पेस है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छूट गया। अब हम हमारा शेप लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड की जो स्पेस है वो कम हो गई और राइट साइड की स्पेस ज़्यादा हो गई, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो
राइट साइड आ गए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो सर्कल शेप है उसका शेप हम चेंज करके स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे चेंज शेप और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा स्क्वायर शेप हो गया। और यहाँ पे दोस्तों अब इस शेप को हम राइट साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड है वो स्पेस ज़्यादा आ गई, इसलिए टेक्स्ट रैप है वो वहाँ पे आ गए। दोस्तों कई बार रिज्यूम बनाते हो तो वहाँ पे आपको राइट साइड में फ़ोटो लगाने के लिए आपको स्पेस रखनी है, तो ये आपको यूज़ हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, रैप टेक्स्ट में जाना है, मोर लेआउट पे जाना है, लार्जेस्ट ओनली कर दीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसको उठा के एक कॉर्नर में रख दीजिए, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी इमेज है वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मोर लेआउट में कई सारे अलग अलग ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट बोथ साइड रहता है जिसमें हमारा जो टेक्स्ट है दोनों साइड रैप होके आ जाता है, तो हम बोथ साइड सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो दोनों तरफ अब रैप हो रहा है। फिर से दोस्तों हम रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं, मोर ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ये क्या बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो शेप से कितना दूर आपको रैप करना है। तो टॉप है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम टॉप में 0.5 कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप में 0.5 जितना दूर रहेगा। किस तरह से करना है दोस्तों, शेप सिलेक्ट रखना है, रैप टेक्स्ट में जाना है, मोर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी तरफ आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए उस तरफ आपको यहाँ पे स्पेस बढ़ा देनी है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है वो हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, अभी कितनी है 0.13 है, तो हम यहाँ पे इसको हम ज़्यादा करके 1 कर देते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड भी ज़्यादा स्पेस अब आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जो टेक्स्ट है वो रैप हो रहा है, वो रैप में भी आप कितना दूर रख के रैप करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। किस तरह से करना है, मोर लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आप टेक्स्ट को शेप से कितना दूर रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग के। यहाँ पे हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम रैप टेक्स्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है सेट एज ए डिफॉल्ट। दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो शेप के लिए डिसेबल रहेगा, ये ऑप्शन शेप के लिए नहीं बना है, ये ऑप्शन सिर्फ इमेज के लिए ही बना है। तो अभी के लिए हम ये शेप को डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट में चले जाते हैं, पिक्चर में चले जाते हैं, दिस डिवाइस, और हम यहाँ पे इमेज के अंदर ये जो कीबोर्ड का इमेज है वो हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज है वो इंसर्ट हो गई, उसकी साइज़ हम यहाँ से कम कर देते हैं। अब ये जो इमेज इंसर्ट हो गई इसकी जो रैप टेक्स्ट है वो कौन सी है दोस्तों, इनलाइन रैप टेक्स्ट है। तो जब भी हम हमारी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो रैप टेक्स्ट है वो इनलाइन रैप टेक्स्ट रहती है। इनलाइन मतलब आपको इमेज फ्रीली मूव नहीं कर सकते, आपको ये जो कर्सर है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ पे अपनी इमेज रखनी है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रैप टेक्स्ट है वो इनलाइन रैप टेक्स्ट रहता है, तो ये आपको चेंज करना है। मान लो अब हम इसका जो रैप टेक्स्ट है वो स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम अब फ्रीली हमारी जो इमेज है वो मूव कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम जब भी इमेज, कोई भी इमेज हम हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करें तब उसका जो रैप टेक्स्ट है वो स्क्वायर रैप टेक्स्ट ही आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट जो भी रखना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट लेआउट पे क्लिक कर देना है। तो अब ये जो स्क्वायर रैप टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट सेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों इस इमेज को हम नीचे रख देते हैं। फिर से दोस्तों हम इंसर्ट में चले जाते हैं, पिक्चर में, दिस डिवाइस, और यहाँ पे दोस्तों अब हम ये जो माउस की इमेज है वो सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। तो ये जो अब इमेज आ रही है उसका जो रैप टेक्स्ट है वो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने वो डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है इसलिए। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों सेट डिफ़ॉल्ट लेआउट का वो सिर्फ इमेज के लिए है, शेप के लिए नहीं है। और बाकी के जो ऑप्शन है वो इमेज और शेप दोनों में एक जैसे ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी आप दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और इसकी मदद से ही हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को
अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये दो ऑप्शन सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो में एक ही टॉपिक हम सीख रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जो अलग अलग टेम्पलेट तैयार करने वाले हैं उसके लिए ये ऑप्शन हमें पता होने चाहिए, तभी हम वो सभी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में सिर्फ रेपटेक्स के बारे में सीखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये दोनों ऑप्शन सीखेंगे, ताकि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये सभी ऑप्शन समझ में आ जाए। और दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, जिसका हम आपको जरूर से रिप्लाई देंगे, सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।